बुलंदशहर में मौसम ने होली के बाद ऐसी करवट बदली है कि हर कोई हैरान है। बुलंदशहर में पहली बार शुक्रवार को ऐसी बर्फबारी हुई कि वहां कश्मीर जैसा नजारा दिखा। बर्फबारी से पहले बुलंदशहर में चक्रवात ने दस्तक दी थी, जिस कारण कई लोग घायल भी हुए थे। मौसम विभाग ने शनिवार रविवार को भारी बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई है। बुलंदशहर समेत पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह शुक्रवार को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। शाम को बुलंदशहर के 3 गांव में चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी। सूरजपुर टिकरी, खिदरपुर और प्रेमपुर में तूफानी बवंडर की वजह से 2 दर्जन से मकानों की दीवारें और छत गिर गई हैं। इससे 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए हैं। चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर विशालायक पेड़ तक उखड़ गए हैं। अभी लोग तूफान से संभले भी नहीं कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके के बिबियाना ताल में जमकर ओले पड़े। जिला बुलंदशहर में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों पर मौसम की कड़ी मार पड़ी है, जिससे किसानों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है। इस बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि व तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से किसानों के गेहूं, मटर, आलू, सरसों फसल नष्ट हो गई है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी रिपोर्ट दी और किसानों का हाल जाना। आइए आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता मुकेश कुमार के पास, जो किसानों से रूबरू हो रहे हैं। आप भी देखिए ग्राउंड जीरो की यह स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बुलंदशहर में, जहां मौसम की मार किसानों पर किस प्रकार भारी पड़ी है। आइए आपको दिखाते हैं किसानों पर किस प्रकार ओलावृष्टि और भारी वर्षा होने के कारण किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस के साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं। समाचार एक्सप्रेस न्यूज जीरो ग्राउंड पर जाकर किसानों के दुख दर्द को अपने साथ साझा कर रहा है। हमारे साथ स्थानीय किसान जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे उनके दुख दर्द का हाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकम सिंह। आपकी फसलों में मौसम की मार किस प्रकार भारी पड़ी है ओलावृष्टि से? आपको कितना भारी नुकसान हुआ है? हमको ओलावृष्टि से इतना भारी नुकसान हुआ, ऐसी कभी मार हम पे इतनी जबरदस्त नहीं पड़ी, जिस मार से हम आज किसान हम सब बैठ करके आज खेतों पर रो रहे हैं और देखा भी नहीं जा रहा किस तरीके से हमें आगे आत्मा हमारी किसान भाइयों की और हमारी मिल करके कैसे आगे हमें उभरा जाएगा। लेकिन हम उभर नहीं पाएंगे, इस तरीके से मार पड़ती रही तो आगे कैसे हमारा गवर्नमेंट साथ। क्या पहले भी यहाँ पर मौसम की मार व ओलावृष्टि हुई है? पहले भी इतनी पहले इतनी मार नहीं हो पाई जितनी मार अब का जबरदस्त मार पड़ी है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस बात के इच्छुक हैं, भाईचारे के भावना से गवर्नमेंट से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारा कुछ सहयोग, हमारा कुछ साथ दे, लेकिन हम नहीं। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय किसान जो कि समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं। समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ ने जीरो ग्राउंड पर जाकर किसानों के दुख दर्द को अपने साथ साझा किया है। अपने सहयोगी चंद्रपाल के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज, बुलंदशहर। क्या नाम है आपका? मैं सुनील। क्या मौसम की मार किस प्रकार फसल पर आपकी पड़ी है और किस प्रकार आपके मौसम में ओलावृष्टि ने किस प्रकार आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया है? ओलावृष्टि ने क्या, कुदरत ने तो समझो कहर ही बरपाया हमारे ऊपर। हमारी जो मटर की फसल थी वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल फरी जो आई हुई थी वो बिल्कुल दाग नुमा हो गई है, जो सूखने के कगार पे हैं। और हवा भी बहुत तेज थी काफ़ी, लेकिन अब कुदरत का कहर है, क्या करें, मजबूरी है। कितना नुकसान हुआ आपकी फसलों में? नुकसान तो मानो जी कम से कम 80% नुकसान मानो, क्योंकि ऊपर फरी तो सारी बेकार हो चुकी है और जो ऊपर इसके फसल के जो तना है वो भी टूट चुका है। इस वक्त हम मटर की फसल में खड़े हैं, मटर की फसल को कितना नुकसान हुआ है? मटर की फसल तो लगभग ही जो है नष्ट ही मानो, बिल्कुल नष्ट है जी, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं बचा। जो फरी है वो 2-4 दिनों में बेकार हो जाएगी, ये समझो कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई किसानों की। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश। फसल आपकी फसल में किस प्रकार नुकसान हुआ है ओलावृष्टि द्वारा और मौसम के कहर द्वारा? देखिए आप देख रहे हैं सर, ये जितनी सारी हमारी ये गेहूं की फसल है ये पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, और इतना ज़्यादा ओलावृष्टि यहाँ पर कल हुई है कि जिसका आप आकलन नहीं कर सकते सर। ये आप देख रहे हैं जो नीचे जो बालियाँ ये लगी हुई हैं, इसमें भूसे का भी नुकसान है किसान का, और ये सब आप देख रहे हैं जो अभी ये बालियाँ हैं इन पर जो ओला गिरा है वो सब ये सफ़ेद हो जाएगी। इसमें 75% का आप नुकसान मानिए।
क्या ओलावृष्टि से सरकार की तरफ से भी किसानों को कुछ या आपको कुछ मुआवजे की भी मांग आपने की है? सरकार ने आपके लिए मुआवजा उपलब्ध कराने की कोई मांग आपके प्रति जागरूक की है? हाँ, जागरूक क्या सर, वो कल हमने देखा है, आज अमर उजाला हमने पढ़ा है, उसमें कृषि जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि क्या नाम जो वो इसका जो कैंप लगा कर इसका जो आकलन कराएंगे, जो शिकायतकर्ता किसान है वो जा सकते हैं। हमें उम्मीद है सरकार से कि अगर जाएंगे तो शायद हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बुलंदशहर में, जहाँ किसानों पर मौसम की मार किस प्रकार भारी पड़ी है। देखने वाली बात यह है, कुछ दिनों पहले भी ओलावृष्टि और भारी वर्षा होने के कारण किसानों की फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो भारी नुकसान फसलों में हुआ है, किस प्रकार हुआ है ये देखिए आप, किसानों की फसल किस प्रकार नुकसान हुआ है। फसल बहुत ही बेकार हो चुकी है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले भी भारी वर्षा हुई थी, जिसके कारण किसानों को बहुत ही नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। और अब आए दिन लगातार और ओलावृष्टि व भारी वर्षा होने के कारण अन्नदाता बहुत परेशान नजर आ रहा है। अपने सहयोगी के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज, बुलंदशहर। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बुलंदशहर में, जहां किसानों पर मौसम की मार किस प्रकार भारी पड़ी है। देखने वाली बात यह है, कुछ दिनों पहले भी ओलावृष्टि और भारी वर्षा होने के कारण किसानों की फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो भारी नुकसान फसलों में हुआ है, किस प्रकार हुआ है ये देखिए आप, किसानों की फसल किस प्रकार नुकसान हुआ है। फसल बहुत ही बेकार हो चुकी है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले भी भारी वर्षा हुई थी, जिसके कारण किसानों को बहुत ही नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। और अब आए दिन लगातार और ओलावृष्टि व भारी वर्षा होने के कारण अन्नदाता बहुत परेशान नजर आ रहा है। अपने सहयोगी के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज, बुलंदशहर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.